हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर के क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये बेसिकली हमारा ग्रिड सिस्टम पे वर्क करता है, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है उसकी हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, हमें पता होना चाहिए वर्कशीट क्या है। तो वर्कशीट में जो इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है हमारे रो, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जिस शीट पे आप काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्कशीट। ये क्या होता है, ग्रिड ऑफ सेल्स, यानी जो आप ऐसे सेल्स बने रहते हैं इसमें। अगर आप टेबल बनाएंगे तो इस तरीके से टेबल हो जाते हैं। तो ये जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो इस सेल का क्या होता है, ग्रिड, जाल बिछा रहता है। उन जाल्स में जो ये हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो। एंड जो वर्टिकल्स लाइन्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉलम। तो जो हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि नंबर ऑफ रोज, मैक्सिमम रोज कितने होते हैं एक हमारे एक्सेल के वर्कशीट पे, तो हमें ध्यान रखना है कि 6,5,536 रोज होते हैं एंड 256 कॉलम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रो नंबर, तो हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या हैं, रो है, तो इसमें क्या लगे गए होते हैं, नंबर डले होते हैं, 1, 2, 3, यानी नंबर्स लिखे होते हैं। और कॉलम में क्या होता है, लेटर लिखा होता है। लेटर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ऐसे हम क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सेल, तो सेल मैंने यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया। सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट। बेसिक यानी जो स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हो, सबसे बेसिक यूनिट क्या बोलेंगे, सेल। उसके बाद हम बात करते हैं सेल पॉइंटर। तो सेल पॉइंटर क्या होता है, जैसे कि आप जिस भी सेल में काम कर रहे हैं तो आप क्या देखेंगे, वो सेल पूरा हाईलाइटेड होता है। तो ये जो हाईलाइट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल पॉइंटर। तो ये बेसिकली क्या बताता है, सेल की बाउंड्री बताता है और कौन सा सेल एक्टिव है, यानी कौन से सेल में आप काम कर रहे हैं वो क्या करेगा, ऐसे हाईलाइट करके आपको शो कर देगा। नेक्स्ट बात करें डेटा इन वर्कशीट, तो वर्कशीट में हम कैसे डेटा कर सकते हैं, हम एंटर्ड नंबर कैरेक्टर्स डाल सकते हैं, टेस्ट डाल सकते हैं, फॉर्मूले डाल सकते हैं। यानी हमारा जो डेटा होता है, डेटा में हम बेसिकली जब हम एमएस वर्ड पे काम करते हैं तो फॉर्मूले हमें लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, बट एक्सेल में क्या होता है, इनबिल्ट फॉर्मूले होते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूलेस पे जाना है, उन्हें सेलेक्ट करना है, फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड इन फॉर्मूलेस के आपको कुछ याद भी करना पड़ता है। अब अगर वो फॉर्मूला आपको याद है, वो वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट देता है, कैलकुलेट करके वैल्यू देता है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर रहता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शन, तो फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूले, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं। यानी कि आपको जो भी फंक्शन चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, इनवर्स फंक्शन चाहिए, रूट फंक्शन चाहिए, क्यूबिक फंक्शन चाहिए, वो सारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। आपको बस क्या करना है, सेलेक्ट करना है, उसमें डिग्रीज जाना है, आपका आउटपुट आ जाएगा। तो ये तरह है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम बात करते हैं कुछ फाइल एक्सटेंशन की, जो काफ़ी यूज़फुल है। फाइल एक्सटेंशन में बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा नोट पैड, जिसको हम क्या लिखते हैं, डॉट txt। डेटा बेस का होता है डॉट mdb। एग्जीक्यूटल जो फाइल्स होती हैं वो क्या होती है, डॉट exe। वर्ड डॉक्यूमेंट का डॉट doc, डॉट docx। स्प्रेडशीट का डॉट xls। पावर पॉइंट का डॉट PPT लिखते हैं। एंड इमेज होते, इमेज के काफ़ी फॉर्मेट होते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं PNG होता है, डॉट JPG होता है, JPEG होते हैं। और भी इमेज के हमारे फाइल एक्सटेंशंस होते हैं, बट इम्पॉर्टेंट यही वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि फाइल एक्सटेंशन नेम भी आपको उससे पूछ लिया जाता है। ऑप्शन में आपको गिवन होगा और आपको टिक करना होगा। जैसे पूछ लेगा एग्जीक्यूटिव फाइल का क्या है फाइल एक्सटेंशन, तो आपको टिक करना होगा। तो अगर आपको याद होगा तो आप फटाफट टिक कर देंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड और वीडियो लेके आऊँगा, तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप ONT के साथ जुड़े रहें।